यहाँ से निकले और ये देखिए सामने कर्तव्य पथ आ गया है पूरा। गर्मी इतनी है खाने का मन ही नहीं करता ज्यादा। ये पार्लियामेंट है और ये संसद भवन है, यहाँ से हमको चेक करना है कि हमारी फ्लाइट कहाँ जाना है। और मैप वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा। मैप वगैरह भी दिया है यहाँ पे, तो ये फोटोज़ वगैरह रखे हुए पुरानी पार्लियामेंट की और वो सब वाले। ये देखो बहुत पुराना फोटो ये अपना। क्यों देखा तू नहीं पहले? वो भी नहीं सुने बाहर नू चला। ये राजपथ है पुराना वाला, अब ये नया वाला है जो नया बना है। ये सब जगह फोटोज रखे हैं यहाँ पे नए राजपथ नए कर्तव्य पथ के। हमने जब क्रॉस किया तो यहाँ से निकले और ये देखिए सामने कर्तव्य पथ आ गया है पूरा पूरा कर्तव्य पथ है। तो आपको रोड क्रॉस करने का टेंशन नहीं है, इधर रोड क्रॉस हो जाएगा आपका। तो पहले ये जो चीज़ थी वो नहीं थी, अभी सीधा आप कर्तव्य पथ पे आ जाओगे और यहाँ से आपको चल के जाना है सीधा पार्लियामेंट तक। अच्छा खासा ब्रिज बना है छोटा सा सामने जाने के लिए। तो यहाँ पे हमने कचौरी ली है, कचौरी है बेल है सॉरी बेल ली है हमने 50 रुपए की एक है सोचिए। तो हम लोग ने यहाँ से ली है, यहाँ पे खाने पीने का सब मिल जाता है सामने से, तो ले ली है और अभी खा रहे हैं बैठ के क्योंकि गर्मी इतनी है कि कुछ खाने का मन ही नहीं करता ज़्यादा गर्म गर्म। तो अभी ठंडा भी कुछ खाएंगे उसके बाद जाएंगे पार्लियामेंट जाएंगे। ये है संसद भवन, ये है पार्लियामेंट। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैं लास्ट 2016 में आया था यहाँ पे, उसके बाद नहीं आया और ये एरिया पूरा डेवलप कर दिया है इस बार, तो अच्छा लग रहा देख के। और अंदर किसी को जाना नहीं था तो मैंने आपको सिर्फ बाहर से दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अंदर ऐसा भी किसी को जाना नहीं था। यहाँ से यहाँ पर एक लगाया हुआ है बैरिकेड और एक सामने बैरिकेड लगाया है सामने, तो किसी को भी अलाउड नहीं है अंदर। जो कर्तव्य पथ बनाया है उसके ऊपर चल के आप यहाँ तक आ सकते थे मगर अंदर नहीं जा सकते थे, मतलब थोड़ा नज़दीक जो अभी हम लोग खड़े उससे थोड़ा नज़दीक जा सकते थे। यहाँ से पूरा पार्लियामेंट दिखता है वो सामने है और ये पार्लियामेंट है और ये संसद भवन है। आगे जाने की परमिशन नहीं है किसी को तो हम लोग नहीं जा पाएंगे सामने। यहीं से आपको दिखा दूंगा मैं आपको
और ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, देख। बोर्डिंग पास ले लिया है हमने, अभी जा रहे हैं अंदर। सभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। हमारा गेट नंबर आई थिंक कौन सा है, गेट नंबर है 7B। हमारा गेट नंबर है 7B और यहाँ पे लाइन लगी है अभी। तो यहाँ से हमको चेक करना है कि हमारी फ़्लाइट कहाँ जाए, कहाँ से लेने वाली है, मतलब कौन सा गेट है हमारा। और ये पूरा फूड कोर्ट है यहाँ पर। अभी एक गेट यहाँ पे है और एक गेट यहाँ पे है, तो हमारी अभी एंट्री स्टार्ट नहीं हुई गेट में। हमारा 7B आया है, तो अभी आई थिंक 5:15 बजे है, तो 5:15 बजे से पहले, मतलब हाफ एन आवर पहले एंट्री स्टार्ट करते गेट में। तो अभी तो हमारे पास 1 घंटे से ऊपर का टाइम है, तो तब तक यहाँ पे बैठे हम लोग। पीछे अच्छी सीट है, काफ़ी अच्छी सीट है। तो फिलहाल ये पूरा एयरपोर्ट है और हमारा गेट नंबर है 7। हमारा गेट नंबर 7 है, तो अभी हम लोग जाएंगे 7B में। गेट नंबर है होगा, गेट नंबर नहीं, आगे ए बी लगती है, 1, 2, 3, 4, 6। मैंने कॉफ़ी मंगवाई है, मेरे पापा ने चाय मंगवाई है मसाले वाली, और एक बड़ा पाव मंगवाया है। तो ऐसा जस्ट टेस्ट करने के लिए मंगवाया है कि एयरपोर्ट पे कैसा मिलता है। बस अभी हमारी 15-20 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और लंबी लाइन भी लग चुकी है। निकुंज कुमार दो है ना? Yes. और भी है? नहीं, और फाइनली अभी हम लोग बस में बैठने वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अभी हमारा सीट मिल चुकी है हमें, और हम लोगों ने पीछे सीट ली है थोड़ी, तो क्या है ना, कंफर्टेबल है पीछे।
और आई यू नहीं कंप्लीट। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे।